अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अलिश्पा और आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको अपने कॉलेज के हॉस्टल के बारे में सब कुछ बताऊंगी और हॉस्टल के क्या चार्जेस हैं, सारा क्या सिस्टम है वहाँ पर। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो पहले मैं आपको जो है वो हॉस्टल का टूर देती हूँ और उसके बाद जो है वो बाकी सारी डिटेल बताऊँगी कि चार्जेस वगैरह या सब कुछ कैसे होता है।
जो है वो एक बैडमिंटन कोर्ट है, साथ ही आपके पास लॉन है, और उसके अलावा आपके पास जो है वो डाइनिंग हॉल है। अब डाइनिंग हॉल के अंदर जो है वो बूफे सिस्टम होता है, 3 टाइम आपको उसमें खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 1 आवर का स्लॉट होता है जिसमें आपने अपना खाना लेना होता है, सही है। इसके अलावा मेस में जो है वो आपके पास फ्रिज भी है, फ्रिज में आप अपना सामान जो भी स्टोर करना चाहो, और क्योंकि पूरे हॉस्टल में कैमराज इंस्टॉल्ड हैं तो आप बेफिक्र होकर अपना सामान फ्रिज में रख सकते हो, वो वहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगा। अगर मेस के चार्जेस की बात करें तो मेस के चार्जेस जो हैं वो आपको 6 मंथ्स के इंटरवल से देने पड़ते हैं, 65,000 जो है वो पर 6 मंथ देना पड़ता है, यानी टोटल जो है वो आपके पास 1,30,000 जो है वो मेस का हो जाता है। फिर मेस में एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेस में जो है वो स्टूडेंट्स की चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्या मेन्यू रखना चाहते हो और क्या मेन्यू नहीं रखना चाहते हो। एक पिक्चर मैं स्लिप के बाद इंसर्ट कर दूंगी, आपको आइडिया हो जाए कि रफली जो कमिंग मंथ है इसमें जो है वो हॉस्टल का क्या मेन्यू है। इसके अलावा हम बात करें अगर रूम्स की, तो MBBS और DPT के स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 स्टूडेंट्स पर रूम होते हैं। हर रूम के अंदर हर स्टूडेंट का अपना बेड होता है, यानी 2 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 2 बेड होंगे, उसके अलावा 2 स्टडी टेबल्स होंगी और 2 वार्डरोब या कबर्स जिसके अंदर आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप AC वगैरह की बात करेंगे तो AC आपको अपना अगर आपने लगाना है तो खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन उसके चार्जेस नहीं होते क्योंकि वो आपसे जब एनुअल अकोमोडेशन चार्जेस लेते हैं तो उसी में जो है वो आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और इन सब चीज़ों के जो है वो चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। अब आपके पास अकोमोडेशन चार्जेस कितने होते हैं, साल के स्टार्ट में ही आप जब हॉस्टल की फ़ी देते हो तो उसमें आप जो है वो अकोमोडेशन चार्जेस पे करते हो, वो तकरीबन 2,10,000 के अराउंड होते हैं सिर्फ अकोमोडेशन चार्जेस। इसमें मेस अलहदा है, 1,30,000 का मेस अलहदा है, सही है। ये तो मेजर चीज़ें हो, तो मैं अब आपको बता देती हूँ फर्स्ट फ्लोर की थोड़ी डिटेल। फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो आपके पास एक स्टडी रूम है, स्टडी रूम के सामने ही वार्डन रूम है, इसके अलावा आपके पास एक कॉमन रूम है, टेरेस है और लॉन्ड्री है। अच्छा, लॉन्ड्री का ये सिस्टम है कि हर फ्लोर के ऊपर आपके पास किचन है और किचन हर फ्लोर पर 2 किचन है, और किचन के अंदर ही जो है वो आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है और मैनुअल मशीन भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद धो लो अपने कपड़े, और अगर आप खुद नहीं धोना चाहते तो वहाँ पर जो आपका स्टाफ होता है, आया वगैरह होती हैं, आप उनको दे सकते हो, लेकिन अगर आप उनसे धुलवाओगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। आयरनिंग का ये सिस्टम है कि आपको जो मैंने अभी वीडियो में एक रूम दिखाया था जहाँ पर आपको बहुत सारे कपड़े लटके हुए नज़र आए होंगे, वहाँ पर आप अपने कपड़े छोड़ देते हो, चाहे वो आपका यूनिफॉर्म हो चाहे वो आपके घर के कपड़े हो। अगर आपने यूनिफॉर्म छोड़ना है तो कॉलेज जो है वो 3 बजे ऑफ होता है, तो 4 बजे से पहले पहले आपको अपना यूनिफॉर्म वहाँ पर छोड़ना होता है, तो वो आपको सुबह जो है वो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आयरन होके मिल जाता है। और घर के कपड़ों का ये होता है कि जिस हिसाब से आप अपने कपड़े वहाँ पर रखोगे उस हिसाब से 1 या 2 दिन में आपको आयरन होके मिल जाएंगे। आयरनिंग के कोई भी चार्जेस नहीं होते बिकॉज वो आप अकोमोडेशन चार्जेस के अंदर ही पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है जो एक चीज़ आती है वो ये होती है कि बाहर जाने की परमिशन वगैरह। अब बाहर जाने के लिए आपको जो है वो स्लिप्स लेनी पड़ती हैं, शॉर्ट स्लिप अगर आप शॉर्ट लीव पर जा रहे हो और लॉन्ग स्लिप, दोनों स्लिप जो है वो आपको 4 बजे से पहले इशू करानी पड़ती हैं 4 बजे तक, और अगर 7 बजे के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हो, दैट इज़ 4 बजे से पहले आपने स्लिप लेनी है, 7 बजे के बाद अगर आपके पास स्लिप है भी तो आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हो, और कर्फ्यू टाइम इज़ 9 PM, 9 बजे से पहले पहले आपने हॉस्टल वापस आना होता है। अब लॉन्ग स्लिप्स में ये होता है, शॉर्ट स्लिप तो आप एक दिन की होती है, लॉन्ग स्लिप में ये होता है कि आप किसी तरह से इशू कराते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए कहीं पर जा रहे हो तो एनुअली साल के एंड में आप जितने दिन हॉस्टल में नहीं थे आपके मेस चार्जेस जो हैं वो आपको उतने दिनों के रिफ़ंड हो जाते हैं। सेकेंड फ्लोर पर आ जाओ तो सेकेंड फ्लोर पर सारे रूम्स हैं आपके पास, जैसे मैंने आपको बता दिया एक रूम के अंदर MBBS PDS के हो तो 2 स्टूडेंट्स होते हैं, DPT वालों के लिए मास्टर रूम होता है, एक रूम के अंदर 4 स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप सोलो रूम लेना चाहते हो तो आप अकोमोडेशन चार्जेस डबल पे करोगे और आपको जो है वो सोलो रूम भी मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो है सफाई का, तो सफाई का ये सीन है कि अगर आप टॉयलेट्स की बात करो तो टॉयलेट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ करके देते हैं, ठंडा गर्म पानी जो है वो पूरा साल आपको मिलता है टॉयलेट्स के अंदर, तो इससे आपको जो है वो कोई भी मसला नहीं होता है। उसके अलावा रूम्स की सफाई भी मंडे टू सैटरडे आपके पास आती हैं, वो घर जो आपका रूम है उसमें आपकी बेडिंग भी बना के देती हैं, आपका सामान बिखरा हुआ है उसको भी सेट करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, मॉप करती हैं और डस्टिंग भी करती हैं। अगर आपको फिर भी कोई सफाई में कंप्लेन हो तो आप कंप्लेन रजिस्टर में बता सकते हो, और आपकी जो है वो जो भी कंप्लेन आप करोगे उस पर फ़ौरन एक्शन होता है,
यानी उसी वक्त रिजॉल्व कर देते हैं, और अगर उसी वक्त नहीं करेंगे तो 4-5 घंटों में आपकी कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये हो गया। इसके अलावा हर फ्लोर पे 2 किचन होते हैं, तो अगर आप खुद कुछ बना के खाना चाहो तो आप वहाँ पे भी बना सकते हो, अगर आप बाहर से कुछ ऑर्डर करना चाहो तो ये फैसिलिटी भी है। हर फ्लोर पे आपके पास जो है वो वाईफाई की फैसिलिटी है, हर फ्लोर पे 2-3 वाईफाई हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, तो इंटरनेट का भी आपको कोई इशू नहीं होता वहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि हॉस्टल के अंदर कोई भी अपनी टक शॉप नहीं है, लेकिन हमारा हॉस्टल और कॉलेज में कोई 4-5 मिनट का फासला है, तो जब तक हमारे पास अभी तक हॉस्टल के अंदर टक शॉप नहीं है तो इसमें ये होता है कि जो हमारी कॉलेज की टक शॉप है ना वो आपको हॉस्टल डिलीवर कर देती है, वो 9 बजे तक रात को खुली रहती है जो हॉस्टल का कर्फ्यू टाइम है। अगर आप हॉस्टल डिलीवर कोई चीज़ कराना चाहो तो हॉस्टल डिलीवर भी हो सकती है, लेकिन अगर आप हॉस्टल से आके कॉलेज से टक शॉप से लेना चाहो तो वो भी आपको जो है वो वहाँ से मिल जाती है। पीने का पानी, पीने का पानी भी जो है वो आपको साफ़ सुथरा मिलता है। हर फ्लोर पे 1-2 वाटर कूलर हैं जिसको फ़िल्टर किया, फ़िल्टर उनके साथ अटैच्ड है। इसके अलावा जो हॉस्टल में पानी मिलता है उसको आपने लैब टेस्ट भी कराया हुआ है और वो पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो ये चार्जेस का स्टूडेंट को इशू होता है, जो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, आपको जो है वो 210,000 एकोमोडेशन चार्जेस देने पड़ते हैं साल के स्टार्ट में। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 50,000 सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ये वन टाइम सिक्योरिटी होती है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में देनी पड़ती है, अगले साल जितने भी हैं आपके, चाहे 4 साल हैं 5 साल हैं, उसमें आपको ये सिक्योरिटी नहीं पे करनी पड़ेगी। मेस चार्जेस जो हैं वो 65,000 प्लस 65,000 है, जो कि आपको जो है वो 6 मंथ के इंटरवल से देने पड़ते हैं। वीकेंड पर जो है वो आपको हॉस्टल की तरफ से मॉल्स ले जाते हैं ताकि आप अपनी शॉपिंग या ग्रोसरी जो भी करनी है वो कर लो। बस ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ और पूछना है तो नीचे लिख देना, उसका भी मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर दे दूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले, वीडियो जो है, मैं एक डे स्कॉलर हूँ और ये पूरी वीडियो जो है वो मेरे लिए, इंक्लूडिंग दी हॉस्टल क्लिप्स, मेरी हॉस्टलाइट फ्रेंड है महरीन, उसने जो है वो शूट की है, तो थैंक यू सो मच महरीन। और उसका एक चैनल है जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, तो डू चेक इट आउट। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।